मैं गार्नर बॉय आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और अपने अच्छे से कामों में खूब बिजी होंगे। मई का ओवरव्यू। दोस्तों, आज मैं अपने कुछ प्लांट और ग्रीन नेट के बारे में कुछ टिप शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं ग्रीन नेट अभी कुछ दिन पहले परचेस करके मार्केट से लेकर आया हूँ। इसकी जो लेंथ देख रहे हैं, ये 6 मीटर है और ये 3 मीटर ऐसे है। ये मैं लेकर आया हूँ कापासेड़ा से, और ये देखिए, ये 75% धूप को रोक लेता है और हवा की भी अच्छी क्रॉसिंग होती है। ये मैंने डंडे लगा रखा है और इससे मेरे प्लांट ये है कि सारे अब शेड में है। और इधर देखिए, ये मैंने जाली वाले एंगल लेकर आया था, इन्हीं पे मैं नट बोल्ट लगा के कस दिया हूँ। और इस तरफ भी देखिए, इस तरफ भी मैंने कस दिया है। ये देखिए, इधर भी नट बोल्ट लगा के, ये मैं खुद ही कसा हूँ, किसी को बुलाया नहीं हूँ। और काफ़ी मजबूती से हो गया है ये। और नीचे मैंने दीवार पे ड्रिल मशीन लगा दी है और उसके बाद फिर मैंने ये नट डाल के कस दिए हैं। तो ये इस तरफ भी ड्रिल मशीन लगा के कसे थे, इस तरफ भी, और ये देख लीजिए इधर भी। इससे ये काफ़ी मजबूती पे हो गया क्योंकि ऊपर हवा बहुत तेज़ चलती है और इससे हवा की क्रॉसिंग भी अच्छी होती रहती है क्योंकि ये जाली जाली होता है। इधर मैंने तार लगा के कस दिया था इसको ताकि ये तेज़ हवाओं से बचा रहे। और इधर मैं अपने कुछ प्लांट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे चंपा का प्लांट है और ये मेरे हिबिकस। देखिए, ये इस समय काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसमें। देखिए, मेरे पे कई हिबिकस के वैरायटी है। ये मेरे मिनिएचर वाला है, इसमें भी कलियाँ आई हुई हैं। और ये मेरे वाइट वाला है और इसके पत्ते गिर गए ये, क्योंकि अभी मैं लाया था। और ये मैंने फाइकस की कटिंग लगा रखी है। और इधर देखिए, ये कली आ रखी है इस पर। और इधर मेरे ये रोजमोस है, एलोवेरा है। ये डायरेक्ट सन में रखने से इसके पत्ते जल जाते हैं, तो आप ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर कहीं छाएदार जगह पर रखें। ये मेरा फाइकस है, ये इसकी मैंने कटिंग यहाँ से काट के लगाई है, ये हबे से टूट गई थी। ये मेरे मोगरा का प्लांट है, ये देखिए, इस समय इस पे बड आई हुई है। इस पे अभी प्लांट छोटा पर इस पे बड बहुत सारी आई हुई है। और इधर आपको दिखाता हूँ, ये मैंने रोज मोस की कटिंग लगा रखी है, अभी इस पे भी बड आनी शुरू हो गई है, देखिए। और इधर है ये सिंगल पेटल वाला है, ये इसको मैंने कटिंग कर दिया था तो ये काफ़ी घने होके अब हुआ है तैयार। पर इसमें देखिए, मिली बग लग चुके हैं, तो ये मिली बग को मैं देखिए कुछ इसमें ट्रीटमेंट करता हूँ तो ये हट जाएंगे। इधर मैंने सनफ्लावर के सीड लगा रखे हैं, अगर इसकी भी अपडेट मैं आगे आपको दिखाऊंगा इससे। और ये मैं कटिंग कनेर की लेकर आया था अभी 1 महीने पहले, तो मैं लगाया था ये कटिंग। तो देखिए, अब 1 महीने के बाद इस पर न्यू पत्ती आनी शुरू हो गई है, तो मेरी कटिंग कामयाब हो गई है। देखिए, काफ़ी बूसी प्लांट हो जाएगा इसकी, नई नई जगह से आ रही है, मैंने प्लास्टिक के पोट में लगा रखा है। ये मेरा एम्ब्रेरस लिली है, ये मैं लगा रखा हूँ, अभी ये मैंने लगाया है। तो इसकी मिट्टी देखिए, इसकी मिट्टी क्योंकि अभी मैंने लगाया तो इसकी मिट्टी गीली रहनी चाहिए, ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। ये मेरे बोगनविलिया का प्लांट है, इस पर नई नई अब पत्तियाँ आ गई हैं,
क्योंकि ये सर्दियों के दिनों में से पत्ती सारी इसकी लीव्स गिर जाती है। ये इस पे देखिए नई नई पत्तियाँ आ गई हैं, और इसके मैं फर्टिलाइज़र भी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा। तो ये देखिए ये एमरेलस लिली है, एक ये प्लांट है, इसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई है। आप देखिए इस पे नई नई पत्ती आनी शुरू हो गई है। देखिए ये एक पत्ती यहाँ से निकल रही है, तो 1-2 महीने के बाद इसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी आनी। ये देखिए किधर से आ रही है। और देखिए प्लांट में आपको गमले में ऐसे घास हो जाती तो आप इनको हटा दीजिए, एनर्जी गमले की खींच लेते हैं ये घास वगैरह, तो इनको उखाड़ के आप फेंकिए ना, आप इनको ऐसे ही तोड़ के और गमले में डाल दी, क्योंकि ये हमारे गमले की एनर्जी लेती है, तो इन्हें गमले में डाल देंगे तो ये गल के फिर डिकम्पोस्ट हो जाएंगी और एनर्जी आपके गमले में रहेगी। ये मैं बोगन बिलिया की कटिंग लेकर आया था, रोड पर एक बोगन बिलिया मुझे दिखा तो मैं कटिंग ले आया। इसको अभी 2 महीने के लगभग हो गया है, पता नहीं ये चलेगी कि नहीं चलेगी, पर मैं लगा दिया हूँ। अब देखिए आगे अपडेट, अगर ये मेरी कटिंग सक्सेसफुल हो गई तो मैं ज़रूर आपको अपडेट दिखाऊंगा। और इधर दिखाता हूँ, ये मैंने एक ग्लोई की कटिंग लेकर आया था। ये मेरे को ग्लोई एक स्कूल में लगी हुई थी तो मैं उनसे एक कटिंग लेकर आया, मैंने लगा दी है, तो ये मेरी सक्सेसफुल हो गई है ग्लोई। देखिए इस पे न्यू ग्रोथ आ रखी है। इसको मैं रिपोर्ट करूँगा किसी बड़े गमले में ताकि ये और भी जाए और ये अच्छे से फैले। ये मैंने ये जो प्लास्टिक का पोली बैग होते हैं जो हम नर्सरी से लाते हैं उसी में मैंने लगा रखी है, तो मेरे पे काफ़ी पड़े हुए हैं, जब मैं कोई पौधा लाता हूँ तो मैं ये संभाल के रख लेता हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा मेरा लगता है। ये देखिए यहाँ गौरैया, मैं दाने रखता हूँ चिड़ियों के लिए, पानी भी रखता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो आप भी अपने छत पे चिड़ियों के लिए पानी और दाना रखा करें। ये देखिए ये मेरे गार्डन में आते हैं तो अच्छा भी लगता है थोड़ा, ये पत्ते वत्ते भी डैमेज करते हैं पर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। ये देखिए ये इस तरफ ये काफ़ी, ये मैंने देखिए पानी का पोट रख रखा है, तो यहाँ पे दिन भर चिड़िया आती रहती गौरैया, और काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि यहाँ छाएं आती है, क्योंकि पहले डायरेक्ट धूप आती थी जब से ग्रीन नेट लगा दिया हूँ। और इधर देखिए, इधर आपको दिखाता हूँ, ये मैंने पानी का रख रखा है, अभी इसमें मैं इसे साफ करके नया पानी रखूँगा। इधर मैंने बाजरा डाल रखे हैं, बाजरा, और ये दिखाता हूँ, ये देखिए ये ओवर वाटरिंग के कारण मेरा, मैंने ये लगा रखा था प्लांट सदाबहार का तो ये ड्राई हो गया ओवर वाटरिंग से। देखिए गौरैया कितना मेरे प्लांट को डैमेज कर देते हैं। चलिए ये तो होता रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। गुड बाय।